हेलो गाइस, मैं हूं गुमन और आप देख रहे हैं इंटरटेनमेंट विल। हम यहां पे हॉलीवुड और बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हॉलीवुड के कुछ अपडेट और कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग न्यूज़ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कई मार्वल फैंस के लिए एवेंजर्स एंडगेम एक लाइफ टाइम इवेंट की तरह है। एवेंजर्स एंड गेम में मार्वल स्टूडियो की 23 फिल्मों की जर्नी को एक बिग इवेंट की तरह एंड किया गया है। यह एक सिनेमैटिक उपलब्धि है। कोई आश्चर्य नहीं है कि फिल्म पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। जैसा कि मार्वल स्टूडियो ने 2020 की समर में फेज 4 शुरू कर दिया जाएगा और केविन फेगी ने भी यह कन्फर्म कर दिया है कि एवेंजर्स एंड गेम के स्तर के जैसे ही एक फिल्म फिर से आएगी। केविन फेग्यू ने कहा कि उनके पास पहले से ही मास्टर प्लान रेडी है जो 2020 के ब्लैक विडो और इटर्नल्स के रिलीज के साथ शुरू होगा। इस हफ्ते की शुरुआत में वॉर्नर ब्रदर्स ने द मैट्रिक्स 4 की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और वो 21 मई 2021 को रिलीज की जाएगी। लेकिन मजेदार की बात यह है कि केनू रिव्स की वर्ल्ड फेमस फिल्म जॉनी विक चैप्टर 4 वो भी इसी दिन रिलीज की जाएगी। According to Kevin Feige, Black Widow movie हमें Infinity War और Endgame के कुछ नए राज पर से पर्दा उठाएगी। इसका मतलब कि Black Widow movie में हमें Avengers Infinity War और Endgame से related कुछ नई बातें पता चलेगी। Vin Diesel ने फैंस को टेस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने Fast and Furious 9 का ट्रेलर देखा है और उन्होंने कहा कि ट्रेलर देख के वो स्पीचलेस हो गए हैं। Fast and Furious 9 का ट्रेलर नेक्स्ट मंथ को रिलीज होगा। 25 से अधिक वर्षों के लिए टेलीविजन पर एक मुख्य आधार होने के बाद पावर रेंजर्स 2017 में मूल माइटी मोफम की ओरिजिनल स्टोरी पर एक नई शुरुआत के लिए बड़ी स्क्रीन पर लौटा है और खबरों के अनुसार पावर रेंजर्स की नई मूवी को रिबूट किया जाएगा और इस फिल्म में हमें शायद टाइम ट्रैवल भी दिखाया जाएगा। शज़ाम की सक्सेस के बाद DCUE ने शज़ाम 2 की अनाउंसमेंट की थी, पर वो कब रिलीज होगी उसकी कुछ खास खबर सामने नहीं आई। बट रिसेंटली वॉर्नर ब्रदर्स ने अनाउंस की है कि शज़ाम 2 अप्रैल 1, 2022 में रिलीज किया जाएगा। हाल ही में सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर जेम्स गन ने 2017 की सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर के साथ मीटिंग की और सुसाइड स्क्वाड के सीक्वल के बारे में कुछ डिस्कस की। 2017 की जस्टिस लीग में धमाका करने के बाद फ्लैश फिर से लौट रहा है अपनी सोलो मूवी के साथ। फ्लैश मूवी को 1 जुलाई 2022 को रिलीज किया जाएगा। इस साल अप्रैल में हमें ब्लैक विडो को फिर से एक्शन में देखेंगे उसकी सोलो मूवी के साथ। बट बिग क्वेश्चन ये है कि क्या इसमें दिखाई गई येलिना की ब्लैक विडो MCU की नई ब्लैक विडो है? अकॉर्डिंग टू एक्ट्रेस फ्लोरेंसी पुफ की येलिना नई ब्लैक विडो नहीं होगी। वो क्यों? वो तो अब हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।